वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है 23 अगस्त और आज से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का जो शाम के शिफ्ट का आपका पेपर संपन्न हुआ है 3 से 5 वाला, उसके हम सबसे पहले आपको हिंदी का सेक्शन सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें जितने भी आपको उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर होंगे। आप लोग मिलाना स्टार्ट करिए। इसमें कई प्रश्न ऐसे थे जो डाउटफुल थे, सरल थे, जिनको लोगों ने गलत करके आए, तो आप लोग मिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हिंदी का जो क्वेश्चन था 114 से 118, इसमें आपको गद्यांश प्रश्न दिया गया है। एक यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, झांसी की रानी जो कविता है उससे संबंधित है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो यहाँ पर आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और इससे संबंधित हम आपको प्रश्न कराना फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये खूब लड़ो मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, आपने जो पढ़ा होगा कविता उसी से यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कवित्री की अधिकांश जो रचनाएं हैं वह कैसी रचनाएं हैं। तो कवित्री की बात करेंगे तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर रहा है। इनका जीवन काल जो था 1904 से लेकर के 1949 तक था, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई ढेर सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो जो भी रचनाएं इन्होंने रचित हैं वे देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो बहुत लोगों ने पुरुषों जैसी सही किया है, जो कि गलत होगा। यहाँ पर मर्दानी का अगर अर्थ वास्तव में देखना चाहेंगे तो पुरुषत्ववान जो गुण है उनका, वो मर्दानी शब्द का अर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कई लोगों ने गलतियाँ की हैं। अब यहाँ पर 116 नंबर की बात करेंगे, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। अगर सही शीर्षक की बात करेंगे तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी के नाम से ही कविता लिखी गई है। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार आपको अन्य वीडियो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। साफ साफ ऊपर लिख दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये तो आपको बिल्कुल फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं कि ऊपर लिख भी दिया गया है और नीचे आपसे पूछा भी जा रहा है। इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो इस कविता में जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है ना, सब वीरता की बातें की जा रही हैं तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ तक क्वेश्चन जो थे 114, 115, 116, 117, 118, ये 5 क्वेश्चन जो थे इस पद्यांश या फिर गद्यांश से थे। अब जो हैं आपके वे आपके अलग अलग क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान पेपर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे। सही क्वेश्चन जो थे, सही प्रश्न और आसान प्रश्नों को भी आप गलत कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग मिलाते चलिएगा। अब 119 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विदुर मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो उस पुरुष को कहते हैं विदुर, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग होगा विधवा। विधवा मतलब कि जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, तो विदुर का जो होगा विधवा, ठीक है, समझ गए आप। तो बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो तुम कब आओगे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। लास्ट में 121 नंबर क्वेश्चन है, 1987 में मगध जो कविता थी उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रीकांत वर्मा को मिला था, बी ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करेंगे निर्मल वर्मा को, तो निर्मल वर्मा को मिला था 1985 का साहित्य अकेडमी। श्रीकांत इसमें सही ऑप्शन होगा, त्रिलोचन को मिला था 1981 में और शिव प्रसाद सिंह को मिला था 1990 में। तो आपसे पूछा गया था 1987 वाला और मगध कविता भी दे दी है, श्रीकांत वर्मा इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। अगर हम बात करेंगे इन चारों शब्दों में तो मात्र जो है वही एक विशेषण होगा और इसे खास करके क्रिया विशेषण भी कहते हैं। लेकिन अगर हम विशेषण में बात करेंगे तो अनिश्चय परिमाण बोधक में भी मात्र को रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, मात्र हो गया, ये सभी भी विशेषण में आ सकते हैं। लेकिन मेनली जो मात्र है वो प्रयोग किया जाता है क्रिया विशेषण में और यही एक विशेषण इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अवयव के कितने भेद हैं, अवयव के देखिए 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से अवयव के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि री जो है वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में देख के चलना है कि धर्म का जो होगा गुण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। कानन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अब इस प्रश्न में आप देखेंगे कानन मतलब वन होता है और आरण्य भी कानन का ही होता है, तो एक क्वेश्चन में दो उत्तर आपके सही हैं। ठीक है, विहिप नहीं होता है, विहिप की जगह पर अगर ये विपिन कर देता तो वो भी हो जाता, तो मेरे हिसाब से बनाने का प्रयास कर रहा था, पर्यायवाची नहीं है तो विहिप मतलब विपिन कर देता तो इसमें से पुष्प सही हो जाता, लेकिन अभी जो कानन का पर्यायवाची बात करेंगे तो वन भी है आरण्य भी है। ठीक है, जिन्होंने लगाया होगा दोनों वो उनके एक न एक प्रश्न अवश्य सही हो जाएगा, याद रखिएगा दो में से कोई एक ही आप लगा पाए होंगे तो आपके प्रश्नों का सबको एक एक नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर पूछा गया कृताकृत्य में समास है, कृताकृत्य में जो समास होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, किया बेकिया, तो कर्मधारय समास का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा 128 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो जो साधारण से लिखा गया होगा वही कृतवाच्य है। छात्रों द्वारा, अगर द्वारा का प्रयोग किया गया है इसका मतलब यहाँ पर कर्मवाच्य आ गया है। ठीक है, तो दोनों में कर्मवाच्य होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये सिंपल है, ये कृतवाच्य हो जाएगा। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया या उठा नहीं जाता तो ये भाववाच्य में चला जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। पुल्लिंग शब्द को आपको छांटना है, चाहत का, रंगत, मेहनत, आहार, इसमें सब लोग सबका अगर आप एक प्रकार से वाक्य बना लेंगे तो आपको मालूम चलेगा पुल्लिंग जो है यहाँ पर वो आहार है। ठीक है, मेहनत की जाती है, रंगत हो गया, चाहत हो गया, ये सभी आपके स्त्रीलिंग है, तो सही ऑप्शन होगा आहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए आपको एक शब्द देना है। ठीक है, जिनको हिंदी महीने के नाम याद होंगे, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, इस समय सावन खत्म हो चुका है और भादो चल रहा है। ठीक है, तो इस समय जो वर्षा काल चल रहा है हमारा, और आपसे पूछ रहा है माघ और फागुन, फागुन में होली खेली जाती है तो उस समय जो ऋतु पड़ती है उस ऋतु को कहते हैं शिशिर ऋतु, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। समझ गए आप, तो छह प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है, तो इसे आप लोग चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इसे मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी ऋतु किन दो महीनों में आती है, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं, तो दो दो हिंदी महीने के आप देख सकते हैं उसमें आपके पढ़ेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। अन्य जितने हमने पाँच आपको बताए हैं ना ऋतुएँ, उनके आपको इंग्लिश में नाम बता दीजिएगा या फिर आपको हिंदी में नाम आते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थमक क्या है? देखिए अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, और आपसे पूछ रहा है संभिन्नार्थक, जो सम उसी तरह लगे लेकिन भिन्न अर्थ वाला हो, तो अभिज्ञ का होता है अविज्ञ। ठीक है, इसे होता है मतलब मूर्ख, जो नहीं जानता हो, तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। समझ गए आप, संभिन्नार्थक अविज्ञ होता है मतलब कि मूर्ख। नेक्स्ट देखिए हमारा 132 नंबर क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म सहानी की प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, समझ गए, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 133 नंबर में पूछा गया है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो अर्धविराम बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये अल्पविराम है, ये पूर्ण विराम है। अब यहाँ पर 134 में पूछा गया इति और ईर्ति शब्द का युग में आपको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इतिश्री और गणेश, श्री गणेश और इतिश्री आपने पढ़ा होगा ना, इतिश्री मतलब होता है समाप्ति, तो पहला ही ऑप्शन सही कर दीजिए, और कहीं पर लिखा भी नहीं गया है। ईर्ति नहीं भी आपको आता तो बाधा होता है, आपदा होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। 135 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में से आपको शुद्ध का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो गाना कोई कसरत नहीं होती है। गाने का शौक कर रहा हूँ, तो शौक किया नहीं जाता इस प्रकार से, गाने का शौक रखता हूँ ये लिख सकते थे। गाने का अभ्यास किया जाता है, व्यायाम भी नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द का सही आपको अर्थ बताना है। अभय मतलब होता है निर्भय, जो किसी से डरे नहीं,
और उभय मतलब होता है दोनों, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अंधेर नगरी का अर्थ होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा, तो वहां पर अन्याय की जगह है, जहां पर न्याय न मिले उसे कहते हैं अंधेर नगरी। ठीक है, कांति और क्लांति शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। तो कांति मतलब होता है चमक, चमक आपको देखिए दो में दे दिया है, और क्लांति मतलब होता है थकावट, तो चमक और थकावट ये भी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आधि और व्याधि शब्द में आधि का आपको अर्थ बताना है। आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट या शारीरिक रोग, तो आपसे आधि का ही पूछा था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ता वर्ग की ध्वनियाँ जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ पर से किया जाता है, तो अगर हम ता की बात करेंगे तो ता का दंत से किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला दंत। का वर्ग किया जाता है कंठ से, चा वर्ग किया जाता है तालव्य से, टा वर्ग किया जाता है मूर्धा से, ता वर्ग किया जाता है दंत से आपसे पूछा गया था, और पा वर्ग जो किया जाता है वो ओ से किया जाता है, ये सब आपको आपने रटा होगा। ठीक है, अब 141 नंबर क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, क्योंकि जहां पर क्योंकि लगा होता है वहां पर आपका कारणवाचक होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कारण बताया जा रहा है, कारणवाचक हो गया, क्योंकि लगा हो या फिर ज्यों की लगा हो, इसलिए की लगा हो तो वहां पर कारणवाचक होता है, समझ गए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और फिर से रिपीट किया गया है, तो यहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार मतलब कि कारण के अभाव में जो कार्य हो जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है, जैसे कि बिनु पग चले मतलब पग नहीं है फिर भी चल रहा है, बिनु पग चले सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, कर बिनु कर्म हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, करे विधि नाना, ठीक है, यहां तो विभावना अलंकार है, इस प्रकार समझने का प्रयास करिए, कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, समझ गए, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो ये बहुत फेमस है विभावना अलंकार, बहुत लोगों ने सही किया होगा। अब किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो एक प्रकार से साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो साहित्य के क्षेत्र में है। दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनना है, अब देखिए दवाइयाँ तो सब लोग पढ़ते हैं, अब दो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको सही करेंगे इसको सही करेंगे, तो दवाइयाँ जो लिखने का सही ढंग है वो बी वाला ऑप्शन में, समझ गए। अब यहाँ पर 145 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 146 नंबर है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगारे बरसना मतलब होता है कि कड़ी धूप होना, सही ऑप्शन होगा ए वाला। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, मतलब कि घर का भेदी लंका ढाए, ये मुहावरे का अर्थ यही होता है कि घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है। 148 नंबर है, विशेषण शब्द आपको चुनना है जो विशेषता बताए, तो विशेषता क्या बता रहा है, यहाँ पर सुंदर जो है किसी वस्तु की विशेषता बताएगा या फिर किसी आदमी की विशेषता बताएगा, तो सुंदर जो है वो विशेषण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, अब इसको कई लोग देखिए गलत करके चले आए हैं, ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि मुझे लगा हुआ है, और जहाँ पर मुझे लगा होता है वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है, और इसने प्रथम पुरुष भी लिख दिया, क्योंकि प्रथम पुरुष को कई लोग समझ लेते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, और प्रथम पुरुष की बात करेंगे तो उसमें आता है सह तव ते, सह तव ते आप लोग पढ़ते होंगे ना, सह तव ते मतलब वह वे दोनों वे सब, सह तव ते का मतलब होता है, और मध्यम में आता है त्वम योयाम यूयम, ठीक है, तो उसमें तुम की बात करेगा, और उत्तम में आता है अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष नहीं होगा, ए वाले आपको ऑप्शन को सही करना है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपसे उपसर्ग भी पूछता है प्रत्यय भी पूछता है, तो निर्वास इसका मूल होता है और इति बात में लगेगा, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो ये हमने सबसे पहले आपको हिंदी का सेट आपको सॉल्व कराया है, आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं,
किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है कि सर इसका उत्तर ये से ये हो सकता था, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको प्रश्न के उत्तर जो हैं वो सही बताए गए हैं, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक दो प्रश्न इसमें गलत पूछे गए थे, जिसमें दो आंसर दिए गए हैं, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहले ही आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।